आप देख रहे हो मोटिवेशनल किंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक भिन्न क्या होती है और हमें कैसे पता चलता है कि ये वास्तविक भिन्न है या नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे इस टाइप से लिखता हूँ 20/30 तो हमें पता है ये एक भिन्न है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये वास्तविक भिन्न है या फिर कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमें ये पता है कि ये क्या है अंश ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है हार। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलता है कि वास्तविक भिन्न कौन सी है और कौन सी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी वास्तविक भिन्न क्या होती है। तो देखो यहाँ पे जब अंश होता है ये वाला वो क्या होता है हर से छोटा होता है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है तो वो हमारी वास्तविक भिन्न है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है ये जो अंश है ये हर से छोटा है तो ये हमारी वास्तविक भिन्न है। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ 5/10 तो ये भी हमारी वास्तविक भिन्न है। क्यों है वास्तविक भिन्न? क्योंकि जो इसका हर है वो अंश से बड़ा है और अंश हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा होता है तो वो हमारी वास्तविक भिन्न होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/50 तो ये भी एक वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है छोटा है हर से। अगर मैं यहाँ पे 5/6 लिखता हूँ तो ये भी वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो क्या है छोटा है हर से। इसलिए अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 1000 और नीचे लिखता हूँ 2000 तो ये भी हमारी वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है छोटा है। ठीक है, इसलिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 500/1000 तो ये भी हमारी वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है छोटा। और लिखता हूँ ऐसे करके 20/80 तो ये भी वास्तविक भिन्न है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80/120 ये भी हमारी क्या है वास्तविक भिन्न है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100/500 तो ये भी हमारी क्या है वास्तविक भिन्न है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200/400 तो ये भी हमारी क्या है वास्तविक भिन्न है। तो ये जो है हमारी क्या है सारी की सारी वास्तविक भिन्न है। और वास्तविक भिन्न है क्यों? क्योंकि इनके जो अंश है वो हर से क्या है छोटे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे करके 600/2000 तो ये भी हमारी क्या है वास्तविक भिन्न है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 600/2000 तो ये भी हमारी वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका भी जो अंश है वो हर से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000 और नीचे लिखता हूँ 10000 तो ये भी हमारी एक वास्तविक भिन्न है। क्यों है ये वास्तविक भिन्न? इसका अंश क्या है छोटा, किससे हर से। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 2000/4000 तो ये भी हमारी वास्तविक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो क्या है छोटा है, किससे हर से। इसलिए तो ऐसी जो हमारी भिन्न होती है वो हमारी क्या होती है वास्तविक भिन्न। तो ऐसी जो हमारी भिन्न होती है जिसमें क्या होता है अंश छोटा होता है हर से तो वो सारी की सारी हमारी वास्तविक भिन्न होती है। तो आप वास्तविक भिन्न के बारे में सीखे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही।